धार जिले की प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधो के धार सर्किट हाउस पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने जिला पंचायत सभागृह में जिला योजना समिति की बैठक ली। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही उन्होंने जिले की व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं का हर वर्ग के लोगों को लाभ मिले, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसी के अनुरूप काम करें। पिछले 15 वर्षों में चिकित्सा व्यवस्था का ढर्रा बिगड़ गया है, जिसे हम सुधारेंगे। इसके साथ ही महेश्वर उत्सव में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के सवाल पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अधिकारी अपना रवैया बदल ले। ये तो वो खुद झांक के देखे कि उन्होंने भविष्य में क्या किया था क्या नहीं किया था। उन्होंने ये भी बोला निमाड़ उत्सव नहीं रहता हुआ मैडम उत्सव बन के रह गया। अब देखिए ये तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो कुछ कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने संस्कृति विभाग की इतनी मटिया मेट की कि वह संस्कृति जो निमाड़ उत्सव की एक परंपरा हमने जो शुरू की थी 94-95 में, उसको इन्होंने ला के ऐसे गर्त में रखा। और संस्कृति विभाग के कर्मचारियों को पिछले सालों में खूब मार पिटाइयां की है। दोपहर न्यूज के लिए धार से मोहिनी वर्मा की खास रिपोर्ट।